वैसे तो हर साल अमरनाथ यात्रा को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट भेजती हैं। इस साल भी इस तरह का अलर्ट जारी किया था। आतंकी हमलों की धमकी के बाद सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए और अमरनाथ यात्रियों के जत्थे पर हमला कर 7 श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार दिया, जबकि करीबन 20 यात्री इस हमले में घायल भी हो गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस चूक की वजह से आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 4 बड़ी चूक है। चूक नंबर 1, बस ने सुरक्षा नियम क्यों तोड़ा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यात्रियों की गाड़ियों को सुरक्षा मिली है, ऐसे में बस ने सुरक्षा नियमों को क्यों तोड़ा। खबर के मुताबिक बस में सवार श्रद्धालु बाबा परपानी के दर्शन कर लौट रहे थे और अनंतनाग के आसपास के इलाके में घूम रहे थे। खबर तो ये भी है कि ड्राइवर ने सुरक्षा नियमों को तोड़कर शाम 7 बजे के बाद बस को सड़क पर ले गया, जिससे आतंकियों को हमले का मौका मिल गया। चूक नंबर 2, आतंकियों को पकड़ने में नाकामी। श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला करीब 8:30 बजे किया। इससे महज कुछ मिनट पहले ही आतंकियों ने खानाबल सुरक्षा चौक पर हमला किया था। इस हमले के बाद आतंकी बटेंगों की ओर निकल गए और बस पर हमला कर दिया। अगर ये आतंकी खानबल में ही ढेर हो जाते तो हमला नहीं होता। चूक नंबर 3, श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं थी गाड़ी। खबर है कि आतंकियों ने जिस बस को निशाना बनाया था, उस बस के मालिक ने बस का अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, जबकि नियमों के मुताबिक श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हर बस का श्राइन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, ताकि सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। चूक नंबर 4, सुरक्षा बलों ने बस को क्यों नहीं रोका। अमरनाथ यात्रा के रूट पर चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के घूम रही इस बस को कहीं क्यों नहीं रोका गया। तो ये थी वो 4 मुख्य वजह जिनके चलते आतंकी अपने मंसूबे में न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों की पोल खुलकर भी रख दी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।